इस मेगा किचन में वर्ल्ड क्विजीन की सबसे शानदार डिशेस दुनिया भर में सैर करने वालों के लिए बन रही हैं। ये है बेक्ड योगर्ट, फिर हमारे पास हैं क्रम्बल्स और एप्पल पाई, और हमारे पास हैं स्विस रोल्स। हम दुनिया भर से एग्जॉटिक मीट कट्स की पूरी वैरायटी भी मंगवाते हैं, जैसे कि नॉर्वेजियन सैमन, फिर न्यूजीलैंड लैम लॉयन, ऑस्ट्रेलियन लैम चॉप्स और फ्रेश वाटर लॉबस्टर्स। इनकी खासियत है पर्सनलाइज्ड प्लेटर्स, जिन्हें बहुत बड़ी तादाद में सर्व किया जाता है। इस पूरे किचन में हम रोजाना 6000 अंडे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर ट्रॉली में 1000 ब्रेड्स होती हैं। इन्हें वक्त से जीतना है। हमारे ऑपरेशंस 24/7 चलते हैं। हम हर रोज काम करते हैं और कभी भी अपने गेट्स को लॉक नहीं करते। ये सब है जेट सेटिंग क्लाइंटेल के लिए आसमान में 35,000 फुट की ऊंचाई पर। ये हैं ताज सेट्स दिल्ली के मेगा इन फ्लाइट केटरिंग किचन्स। न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। हर साल यहां से करीब 4 करोड़ पैसेंजर्स आते जाते हैं। पूरे भारत और बाकी की दुनिया के लिए यहां से करीब 3 लाख फ्लाइट्स रवाना होती हैं। हर रोज यहां दुनिया भर की एयरलाइंस सही वक्त, प्रिसिशन और एफिशिएंसी की मिसाल कायम करती हैं। एयरलाइंस से सफर करने वालों को उनकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि आसमान में उनके इस सफर का एक्सपीरियंस सेफ, रिलैक्सिंग और डिलिशियस हो। और यहीं पर काम शुरू होता है ताज सैट्स दिल्ली के मेगा किचन्स का। हर एयरलाइन का बिल्कुल अलग मेन्यू होता है जो हम बनाते हैं। हर एयरलाइन अपने पैसेंजर्स को एक अलग मेन्यू सर्व करना चाहती है, इसलिए हम अपने किचन को कहते हैं मेगा किचन। ये दिल्ली के सबसे बड़े किचन्स में से है। पहली नजर में ये किसी भी दूसरे 5-स्टार किचन जैसा दिखता है, जहां ऐसी लजीज डिशेस बनती हैं जो किसी भी हाई क्लास कस्टमर को खाने के लिए ललचा सकें। लेकिन जैसा दिख रहा है असल में वैसा है नहीं, क्योंकि ये बात जमीन पर किसी रेस्टोरेंट पर खाना सर्व करने की नहीं, बल्कि 35,000 फुट की ऊंचाई पर सर्व करने की है। एक टिपिकल इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट में करीब 150 से लेकर 350 से भी ज्यादा पैसेंजर्स हो सकते हैं, और उनमें से ज्यादातर इकोनॉमी क्लास में होते हैं। बिजनेस और फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को तो एक्सक्लूसिव सर्विस दी जाती है, लेकिन क्लास चाहे जो भी हो, सारे मील्स उन्हीं छोटी छोटी गैलीज और आइल्स से ही सर्व किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट में बहुत ही लिमिटेड स्पेस होती है, और बहुत ज्यादा मील्स सर्व करने की गुंजाइश भी कम होती है, क्योंकि क्रू के पास कम समय में या फ्लाइट की ड्यूरेशन में मल्टीपल चॉइस नहीं होती। तो बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि एयरलाइंस की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली है उसके दायरे में रहकर हम अपना बेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को खुश कर सकें। इन फ्लाइट केटरिंग किचन में ये एक आम दिन है। इसका मतलब है कि यहाँ 16 इंटरनेशनल एयरलाइंस और 3 डोमेस्टिक एयरलाइंस का खाना बन रहा है, और ये एक ऐसे फ्लीट को सर्व किया जाएगा जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरलाइन शामिल है, एयरबस 380। और टारगेट क्या है? 22,000 से भी ज्यादा मील्स को पकाकर, पैक करके दिन खत्म होने से पहले डिस्पैच करना, और चैलेंज है सब कुछ सही समय पर करना ताकि फ्लाइट टेक ऑफ कर सके। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स दिन भर डिपार्चर्स ऑपरेट करते हैं, तो हमें भी दिन भर काम करना पड़ता है, और हमारे ऑपरेशंस 24/7 हैं। हम हर रोज काम करते हैं और कभी भी अपने गेट्स को लॉक नहीं करते। ये है D-24। फ्लाइट किचन की भाषा में इसका मतलब है कि मील्स को डिस्पैच करने में उनके पास 24 घंटे हैं। ताज सैट्स के दिल्ली ऑपरेशंस कंट्रोल रूम में इट्स गो टाइम। केटरिंग की दुनिया में ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बराबर है, जहां हर फ्लाइट के अराइवल और डिपार्चर के वक्त के एक एक सेकंड का हिसाब रखा जाता है। उसी तरह यहाँ हर फ्लाइट के एग्जैक्ट लोड या नंबर ऑफ पैसेंजर्स का भी हिसाब होता है। अमित, अभी नोट करिए, आप सिंगापुर फ्लाइट का लोड फर्स्ट क्लास में होगा 3, बिजनेस क्लास 57 एंड इकोनॉमी 264। ओके। ये डेटा
कई सारे कलिनरी इवेंट्स की सीक्वेंस को शुरू करता है जो एग्जीक्यूटिव शेफ अरुण बत्रा की देखरेख में होंगे। फूड बिजनेस में इस वेटरन शेफ को 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो एक ऐसे मेन्यू को तैयार करवाते हैं जिसमें उतनी ही तरह की डिशेज हैं जितनी की फ्लाइट डेस्टिनेशन कंट्रीज। हम यहाँ पर चेक करते हैं प्रोडक्ट का टेक्सचर और साथ में ये भी कि वो ठीक से कुक हुआ या नहीं, ताकि वो जब एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर कस्टमर्स तक पहुंचे तो चीजों की क्वालिटी उन्हें अच्छी मिले। इंडियन, जापानीज, अरबिक और मिडल ईस्टर्न, साउथ ईस्ट एशियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल, हर क्विजीन इस किचन में बनता है। तो मील्स ऑलरेडी अंदर है और फ्लाइट के बिजनेस क्लास के मील्स का क्या? अगले 24 घंटों में करीब 700 से 750 अलग अलग डिशेस इस किचन में बनाई जाएंगी। उनमें बनेगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साथ ही में बनेंगे स्वीट एंड सेवरी स्नैक्स, बेक्ड आइटम्स और ढेर सारे माउथ वाटरिंग डिजर्ट्स। किसी ने एक बार फ्लाइट किचन का कंपैरिजन एक आर्मी गैरिसन से किया और इट्स क्वाइट ट्रू, क्योंकि फ्लाइट किचन में हमें बहुत ही डिसिप्लिन्ड और प्रिसाइज भी रहना पड़ता है। शेफ्स, सू शेफ्स, कुक्स और प्रेप स्टाफ की इस ब्रिगेड को अलग अलग टीम्स में बांटा जाता है और ये इतने बड़े और शानदार किचन फ्लोर पर काम करते हैं जिसमें अमेरिका के 2 व्हाइट हाउस समा सकते हैं। फ्लोर प्लान खास किचन के वर्क फ्लो के मुताबिक बनाया गया है, जहां खाना बहुत ही एफिशिएंटली एक सेक्शन से दूसरे में जाता है जिससे टाइम और मैन पावर की कोई बर्बादी नहीं होती। हम एक बेसिक वर्क फ्लो पे चलना होता है और किचन भी उसी हिसाब से डिजाइन होता है। जब यहाँ एक तरफ से चीजें अंदर आती हैं और तैयार होकर दूसरी तरफ से बाहर। ऑलमोस्ट हर इन फ्लाइट मील की कहानी रिसीविंग एरिया से शुरू होती है। यहीं पर हर ताजा प्रोड्यूस, सब्जियों से लेकर फल, मीट और सी फूड सबसे पहले आते हैं। हर फ्रेश कंसाइनमेंट को चेक करते हैं एक क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर और आज इस इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है अजय सोनी को। हमारे पास वेजिटेबल्स आने के बाद हम उनमें अनचाही चीजें, कंटामिनेशंस या किसी तरह की दूसरी कमी तो नहीं है ये चेक करते हैं और फिर हर वेजिटेबल को धोकर सैनिटाइज करते हैं। सब्जियों को एक क्लोरीन बेस्ड केमिकल वाले पानी के टैंक में डुबोया जाता है और उन्हें 1 से 4 मिनट में सैनिटाइज करके निकाला जाता है। रिसीविंग एरिया के एक अलग सेक्शन में अजय सोनी उन हाई एंड इंग्रेडिएंट्स की इंस्पेक्शन कर रहे हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं। ये है स्मोक सैमन और हम चेक करते हैं बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी और टेम्परेचर नॉर्म्स भी देखते हैं। इसके अलावा हम क्लीनिंग नॉर्म्स देखते हैं और अगर सब कुछ नॉर्म्स के मुताबिक है तो हम इसे ले लेते हैं। ये है लॉबस्टर, ये परफेक्टली साफ किया हुआ है, टेम्परेचर होना चाहिए, असल में रिसीविंग के वक्त हार्ड फ्रोजन होना चाहिए। किसी भी इन फ्लाइट किचन के लिए ये चेक्स बेहद अहम हैं, क्योंकि जब ऊपर आसमान में ये मील सर्व किए जाते हैं तो इन्हें बदलने या दोबारा बनाने जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ताज सैट्स दिल्ली के किचन्स इंटरनेशनली प्रैक्टिस्ड फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि हैसअप यानी कि हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। D-18 यानी 18 घंटे बाद तैयार मील्स एयरपोर्ट के लिए रवाना होने ही चाहिए। किचन स्टाफ प्रोटोकॉल की कई सारी स्टेजेस से गुजरता है, हाथ धोने से लेकर यूनिफॉर्म पहनने तक जो उन्हें सर से पैरों तक ढक कर रखती हैं। पर्सनल हाइजीन के अलावा फूड सेफ्टी के लिए किचन में बेहद सख्त फॉर्मूला अपनाया जाता है। साइंस के मुताबिक बायोलॉजिकल अटैक से खाना तब तक सुरक्षित होता है जब वो 72 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म या 5 डिग्री सेल्सियस से ठंडा हो।
लेकिन उसे पकाने से पहले की ज्यादातर तैयारी इन टेम्परेचर्स पर नहीं हो सकती, खासकर जब बात मीट्स या सी फूड की हो। इसका सलूशन है कि उन्हें 15 डिग्री या उससे कम के टेम्परेचर पर तैयार किया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि सारा काम 45 मिनट में ही पूरा हो जाए। हर एक्टिविटी टाइम बाउंड है और उसका टेम्परेचर भी सेट है। हर डिपार्टमेंट अलग किया गया है। असल में हमारे यहाँ सेपरेट नॉन वेज और वेज सेक्शंस हैं ताकि कोई मिक्सअप ना हो जाए। रॉ फूड की हर कैटेगरी का अपना ही कलर कोडेड इक्विपमेंट होता है। ग्रीन वेजिटेरियन आइटम्स के लिए, लाइट येलो चिकन के लिए, रेड मीट्स के लिए और ब्लू सी फूड के लिए। चॉपिंग बोर्ड से लेकर ट्रेज और एप्रन्स तक, ये कलर्स असल में लेबल्स हैं जिन्हें कोई भी पहचान सकता है ताकि किसी तरह का कोई मिक्सअप ना हो। ये एफिशिएंट सिस्टम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जहां वक्त पर काम पूरा होना बहुत क्रूशल है। वक्त बीता जा रहा है, अब है D-15। सिर्फ 15 घंटों में आज के फ्लाइट मील्स को टेक ऑफ के लिए तैयार रहना होगा। ये है ताज सैट्स दिल्ली का इन फ्लाइट किचन। इसकी खासियत ये है कि यहाँ ढेर सारी डिशेस तैयार की जाती हैं, जिन्हें हर रोज करीब 20 अलग अलग एयरलाइंस में सर्व किया जाता है। सारी प्रेपरेशन सब्जियों से लेकर मीट काटने तक हो चुकी हैं। अब मील डिपार्चर के लिए 15 घंटे बाकी हैं। अब वक्त है मेन किचन में काम शुरू करने का। ये एग्जीक्यूटिव शेफ अरुण बत्रा की जिम्मेदारी है और ये इतना बड़ा किचन है कि इसके अपने ही अलग अलग आइलैंड्स हैं। इस वक्त हम मेन किचन एरिया के बीचों बीच खड़े हैं। मेन किचन को बांटा गया है 4 आइलैंड्स में। पहला आइलैंड जहां हम इस वक्त खड़े हैं वो है बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए। यहाँ पर हम सभी एयरलाइंस के बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास मील्स की पूरी कुकिंग करते हैं, इंक्लूडिंग सिंगापुर एयरलाइन और विस्तारा के लिए। अगला आइलैंड जिसकी ओर अभी हम बढ़ रहे हैं वो है ब्रेकफास्ट का आइलैंड। इसमें ऑमलेट्स बनाए जाते हैं। इस पूरे किचन में हम रोजाना करीब 6000 अंडे इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई एयरलाइंस के लिए ऑमलेट्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, फ्रेंच टोस्ट और अंडे से बनी दूसरी चीजें भी बनाई जाती हैं। ये है तीसरा आइलैंड और ये इस किचन की जान है। इस एरिया पर यहाँ का करीब 70% प्रोडक्शन लोड पड़ता है। ये है द इंडियन किचन एरिया जहाँ वेजिटेरियन कुकिंग की जाती है एंटायर एयरलाइंस के लिए, सिंगापुर, विस्तारा, एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस के लिए भी। हमारे यहाँ इस किचन में ज्यादातर यूज होता है पनीर, सब्जियां और कुकिंग के लिए कई सारी दूसरी नेसेसरी चीजें भी। फिलहाल जहां हम खड़े हैं वो है इस किचन का चौथा आइलैंड। यहां पर हम बनाते हैं कॉन्टिनेंटल मील्स, चाइनीज मील्स और साथ ही जापानीज मील्स भी। इस एरिया में बनाए जाते हैं नॉन वेज आइटम्स जैसे कि चिकन, मटन, बाहर से आई लैम्ब चॉप्स, स्क्विड्स, स्कैलप्स, सब कुछ इसी आइलैंड में कुक होता है। इस मेगा किचन की एक और खूबी है, ये है एक फाइन डाइनिंग हब। हम दुनिया भर से एग्जॉटिक मीट कट्स की पूरी वैरायटी भी मंगवाते हैं, जैसे कि नॉर्वेजियन सैमन, फिर न्यूजीलैंड लैम लॉइन, ऑस्ट्रेलियन लैम चॉप्स, लॉबस्टर्स, फ्रेश वाटर लॉबस्टर्स। ये एयरलाइन की जरूरत के मुताबिक क्वांटिटी में करीब 300, 350 या 400 तक होती है। मिशेलिन स्टार्ड शेफ्स इस बात पर नाज करते हैं कि वो परफेक्टली कुक्ड डिशेस को सीधे पैन से प्लेट पर बिल्कुल फ्रेश सर्व करते हैं। इन फ्लाइट केटरिंग में पैक्ड मील्स होते हैं जिन्हें पकने के कई घंटों बाद खोला जाएगा और इसीलिए ताज सैट्स दिल्ली के किचन्स के शेफ्स को एक अनोखे किस्म के कलिनरी चैलेंज को जीतना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बनाना है रोगन जोश, I can't do lamb with bones, और ना ही करी बना सकता हूँ जो बहुत तीखी हो। एक प्लेन क्रिस्प डोसा एयरक्राफ्ट में सर्व नहीं होता क्योंकि हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चैलेंज है कि मेन्यू को रिवाइज करें, रेसिपी को मॉडिफाई करें कुछ इस तरह कि जो लिमिटेड स्पेस एयरक्राफ्ट में अवेलेबल होती है उसमें हम अपने वैल्यूड पैसेंजर्स को एक ऐसा खाना दें जो दिखता बढ़िया हो, टेस्टी भी हो और सभी लोगों को बहुत पसंद आए। तो प्लेन पर ऑलमोस्ट सभी को पसंद आने लायक मेन्यू को कैसे तैयार किया जाता है? महीनों तक सोच विचार और बातचीत सिर्फ पहला कदम है।
पिछले 3 महीनों से ताज सैट्स दिल्ली किचन एक नया मेन्यू तैयार करने में जुटा है इंडिया की ब्रांड न्यू एयरलाइन विस्तारा के लिए। शुरुआत के कुछ ही महीनों में विस्तारा 14 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है जो हर रोज दिल्ली से रवाना होती हैं। कामयाब होने के लिए उसे अपने पैसेंजर्स का दिल जीतना होगा अपनी सर्विस और खाने के जरिए। फाइनल मेन्यू पर बहुत कुछ दाव पर लगा है। आज होने जा रहा है मील प्रेजेंटेशन जहां ताज सैट्स किचन के शेफ्स अपने सैंपल्स विस्तारा को पेश करेंगे। उनके सामने कई डिशेस का बुफे लगा है जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर और स्नैक्स की चीजें शामिल हैं। अब क्योंकि एयरलाइन को हर कुछ महीनों में अपना मेन्यू बदलना होगा उन्हें कई मेन्यू साइकिल्स के ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं। इन सारी डिशेस को विस्तारा की टीम के साथ कई हफ्तों और महीनों तक मिलजुल कर बनाया गया है। अब शेफ बत्रा और उनकी टीम को इसे फाइनल टेस्ट टेस्ट के लिए तैयार करना है। चौथी चॉइस का कॉन्सेप्ट ये रहेगा तुम्हारा कि दो वेज की चॉइस होंगी एक नॉन वेज की। नॉन वेज चॉइस वेस्टर्न रहेगी। दो चॉइस जो होंगी तुम्हारी वो वेज की होंगी। फैसले की घड़ी आ रही है लेकिन शेफ्स अब भी हर बारीकी को निखारने में जुटे हैं। इसको थोड़ा सा थिक कर लो शर्मा। फोक से 1, 2, 3 साइड पर लाइन आ जाएंगी। सेंटर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दे। ठीक है। ये 40-45 ग्राम तक कर देना। यहाँ तक भी भर दोगे तो चलेगा। इन्हें एक वैसा करके दिखा दो। ठीक है। ये थोड़ा थिक। इसे थोड़ा थिक करना है। हाँ, थिक हो जाएगा। थिक कर देना जरा इसे। हाँ। टेस्ट ठीक है। हाँ जी। इंतजार अब खत्म हुआ। विस्तारा की टीम आ चुकी है। टीम में एयरलाइन के कैबिन क्रू मेंबर्स हैं। वो सभी इस सिलेक्शन प्रोसेस का अहम हिस्सा हैं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आसमान में 35,000 फुट की ऊंचाई पर कैसा खाना पसंद किया जाता है। जब हम लोग फ्लाइट में खाना गर्म करते हैं, खासकर ये जो ब्रेकफास्ट में है पनीर और ग्रेवी और ऊपर से पैनकेक, जब हम उसे गर्म करते हैं कई बार पैसेंजर्स को लगता है कि ये खिचड़ी है, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। बेशक ये कोई मेजर फीडबैक ना लगे पर ताज सैट्स दिल्ली की यूनिट इसे सीरियसली लेती है। हालांकि उन्हें हर रोज हजारों पैसेंजर्स का खाना बनाना होता है, फिर भी जहां तक हो सके ये शेफ्स अपने मेन्यू में वैरायटी डालने की कोशिश करते हैं। ये हेल्दी ऑप्शन है, ये होल व्हीट है, इसमें मैदा नहीं है। मैदा? अच्छा, ये होल व्हीट का है। तो ये काफी हेल्दी होगा, है ना? इस प्रेजेंटेशन के लिए ताज सैट्स किचन ने ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपीज को थोड़ा सा बदलकर मील्स को फ्लाइट के लायक बनाया है। इसका मतलब है प्लेटर पर दाल और ग्रेवी जैसी कम से कम लिक्विड आइटम्स सर्व की जाएंगी। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलेगी? क्या इससे तीसरे मील की चॉइस में कमी आएगी? क्योंकि उसे तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इससे आपकी क्रिएटिविटी पर रोक नहीं लगती? नहीं, मैंने क्रिएट किया है क्योंकि इसे और इसे साथ में ही रखना है। हाँ हाँ, यही सोचकर हमने मेन्यू को प्लान किया है और आइटम्स भी उसी हिसाब से तैयार किए हैं कि वो अच्छे से वेज और नॉन वेज दोनों के साथ चल जाएं। क्या इसमें बिजनेस क्लास के लिए और इंडियन फ्लेवर देने की जरूरत है? हाँ हाँ, यही सोचकर हमने सारी सिलेक्शन की है ताकि पूरी वैरायटी हो। कई ऑप्शंस हैं क्योंकि विस्तारा में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ डिफरेंट सर्व करने की कोशिश करते हैं थोड़े ट्विस्ट के साथ। वो मॉडर्न ट्विस्ट भी हो सकता है या फिर एशियन ट्विस्ट भी, लेकिन वही पुराना घिसा पिटा बिल्कुल भी नहीं। कुछ अलग ताकि टेस्ट बर्ड्स को ललचा सके। इट गिव्स फूड फॉर थॉट और हमारे कस्टमर की जिंदगी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जब वो फ्लाइट में जाता है उसे कुछ न्यू दिखता है। इस ग्रुप के लिए फूड फॉर थॉट का एक मतलब ये देखना भी है कि हर मील आखिर दिखता कैसा है, खाने के रंग से लेकर उसे प्लेट पर सजाया कैसे गया है। बोल्स, ग्लासेस और कटलरी, हर एक चीज चुनने के लिए कई घंटों से लेकर दिनों तक सोचा समझा जाता है। सेकेंड वीक में सैलेड नॉट चाट, थर्ड में फिर से चाट, देन फोर्थ में सैलेड। यहाँ टीम्स हर बारीकी पर ध्यान दे रही हैं और वहाँ मेन किचन में इट्स D-12। 12 घंटे बाद फूड वैन्स एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी। मेन किचन में जो डिशेस बनानी थी वो अब तैयार हैं। उनमें से कई अभी बिल्कुल गर्मा गर्म हैं।
अब वक्त है कि किचन के फूड सेफ्टी फॉर्मूला को लागू किया जाए। पके हुए खाने को 72 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर से 5 डिग्री से भी नीचे लाना है और ये काम ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों में हो जाना चाहिए। इस काम के लिए है ब्लास्ट चिलर, जहां खाने को कोल्ड सोक किया जाएगा। ताज सैट्स फ्लाइट किचन में कोल्ड सोक के जरिए ये देखा जाता है कि फ्लाइट फूड ऐसा दिखे और टेस्ट करे जैसे कि वो अभी अभी किचन से आया हो। हम करते हैं कुक, चिल, हीट एंड सर्व प्रोसेस, जो किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में नहीं होता, क्योंकि वहाँ खाना सीधे पैन से टेबल पर पहुँच जाता है, तो हमारे काम में काफी प्रिसिशन चाहिए। जब बात बेकिंग की टेक्निक की हो तो प्रिसिशन एक अहम इंग्रेडिएंट है। ओवन्स जो ऊपर सीलिंग तक बने हैं, उनमें एक के ऊपर एक ट्रे में ब्रेड रोल्स, क्रोसॉन, डेनिशेस और मफिन्स हैं। इन बिल्कुल ताजा बेक चीजों की जबरदस्त महक के बीच शेफ अरुण गोवालानी दिल्ली ताज सैट्स बेकरी में रोज की तरह राउंड्स पर हैं, जहां हर रोज बहुत बड़ी तादाद में चीजें बेक होती हैं। रोज हम करीब 7,000 से 8,000 ब्रेड रोल्स बनाते हैं और कुछ फ्लेवर्ड ब्रेड रोल्स करीबन 2,000 से 3,000, यानी हमारी डेली कंजम्पशन करीब 10,000 की है, जिसे हम बनाते हैं 24 घंटों में। ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन है। ये है डिनर फ्लाइट के लिए, जिसे अब प्रीसेट किया जाएगा और फिर डिनर फ्लाइट में भेजा जाएगा। क्रोसॉन, जो ट्रेडिशनल फ्रेंच ब्रेड है, इस बेकरी में सबसे ज्यादा बनने वाली चीज है। हर रोज करीब 4,000 से 5,000 पीसेस बनाए जाते हैं। कभी कभी तो इतने क्रोसॉन बनाए जाते हैं जिनसे कम से कम 7,000 पेरिसियन ब्रेकफास्ट्स बन सकते हैं। एक और सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इटालियन फ्लेवर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये कॉर्न ब्रेड है, ये है होल व्हीट चियाबाटा, फिर हमारे पास है बटर गार्लिक पार्मेजान चियाबाटा, जो कई सारे एयरलाइन सैंडविचेस के लिए है। एक साइड इसमें है कम से कम 500, दो साइड 1,000, यानी हर ट्रॉली में है 1,000 ब्रेड्स। और हम जो इन ब्रेड्स के लिए टोटल वॉल्यूम बनाते हैं वो है तकरीबन 4,000 से 5,000 एक दिन में। और यहाँ बात सिर्फ यूरोपियन क्लासिक्स की ही नहीं है, शेफ गोवालानी हलवाई सेक्शन के भी इंचार्ज हैं। और मेन्यू किसी भी ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड या मिठाई की दुकान को मात दे देगा। सबसे पॉपुलर आइटम्स में से एक है दही भल्ला, जिसे एयर इंडिया जैसे नेशनल कैरियर्स के साथ साथ मलेशियन और सिंगापुर एयरलाइंस जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस पर भी सर्व किया जाता है। करीब 400 भल्ले, यानी कि पिसे हुए पल्सेस के हाथ से बने गोलों को तलने के बाद एक क्रीमी योगर्ट में डुबाया जाएगा, ताकि गर्मियों से राहत देने वाला एक रिफ्रेशिंग स्नैक बन सके। इसी दौरान एक और कढ़ाई में मिलती जुलती शक्ल वाले बॉल्स गर्मा गर्म तेल से निकाले जा रहे हैं। इन्हें शुगर सिरप में डुबोकर एक क्लासिक इंडियन मिठाई बनाई जाएगी, गुलाब जामुन। इस मिठाई के करीब 5,000 पीसेस तैयार किए जाएंगे लगभग 4 घंटों में। जब तक हलवाई सेक्शन आज का बैच पूरा तैयार करेगा, उसमें 150 किलो खोया, यानी कि इवेपोरेटेड मिल्क सॉलिड्स, 30 से 40 किलो पल्सेस और 30 से 40 किलो आटे की खपत हो जाएगी। और चीनी की बात करें तो उससे चॉकलेट के लगभग 4,000 बार्स बन सकते हैं। और जब बात इतने वॉल्यूम्स की हो तो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव शेफ अरुण बत्रा अपडेट लेने आते हैं। उस डिश का क्या हुआ? वो खीर कदम का। खीर कदम हम बना रहे हैं एयर इंडिया के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स दोनों। ओके, और ये आज रात की फ्लाइट के लिए है? आज रात की और कल सुबह की फ्लाइट के लिए। वॉल्यूम काफी ज्यादा है, रोज हम करीब 2,000 पीसेस बनाते हैं। ये नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, ये सब टाइम पर तो बन जाएगा ना? हाँ, 4 बजे तक हम ये सारा काम पूरा कर लेंगे और उसके बाद सब कुछ कोल्ड सोक के लिए रखा जाएगा और फिर ये तैयार हो जाएगा। उम्मीद है सब कुछ टाइम पर हो जाएगा और जी हाँ, वी विल मैनेज। यस सर। दोनों सीनियर शेफ्स ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फ्लाइट किचन में कुकिंग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि काम पूरा हुआ, क्योंकि इस बैच को कोल्ड स्टोरेज में 4 घंटे और लगेंगे और उसके बाद ही उसे फ्लाइट्स के लिए सेफली पैक किया जा सकता है।
यहां हमारा टारगेट होता है D-8। डी का मतलब डिपार्चर माइनस 8 आवर्स। हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि हमारा खाना डिपार्चर से 8 घंटे पहले तैयार हो जाए और उसके बाद आखिरी 8 घंटों में हमारी बनाई प्रोडक्ट को प्रीसेट करना होता है और उसके बाद 4 घंटे का कोल्ड सोक भी जरूरी है और उसके बाद 1 घंटा एयरलाइन के प्रीसेटिंग के लिए लगता है। टाइम D-8। लेकिन अभी काम बाकी है। हॉट किचन्स अपना काम पूरा कर चुके हैं लेकिन अब ताज सैट्स के कोल्ड किचन को अपना कमाल दिखाना है। न्यू दिल्ली के ताज सैट्स इन फ्लाइट किचन में अब D-8 है। 8 घंटों बाद आज के मील्स को इस मेगा किचन के कैंपस से भेजना होगा। पिछले 10-12 घंटों में हॉट किचन ने ग्लोबल क्विजींस की एक के बाद एक डिश तैयार की है जो दुनिया भर के एयरलाइंस में सर्व की जाएंगी। कुक्ड खाने को 4 घंटे ब्लास्ट चिलर में रखकर उसे कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसफर किया गया है। अब ये कंसाइनमेंट निकलने के लिए तैयार है। इसकी मंजिल है कोल्ड किचन। मेगा किचन का एक बेहद बड़ा विंग जहां टेम्परेचर कभी भी 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। इसी किचन में कुक्ड फूड को एक एक प्लेटर में डाला जाता है और इस प्रोसेस को प्रीसेटिंग कहते हैं। ये हमारा आखिरी चेक पॉइंट है। ये जो एरिया है हमारा डिश आउट एरिया है जहां पर एयरलाइन के मुताबिक हम मील्स प्रीसेट करते हैं। अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस और अलग इक्विपमेंट होते हैं। प्रीसेटिंग क्रू को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर एक प्लेटर या कैसरोल का वजन बराबर हो और वो बिल्कुल एक जैसे दिखें। और कहीं वो भूल गए तो फिर गोल्डन सैंपल है, यानी कि फाइनल मील की दिखावट का एक पिक्चर परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक कंडीशन है, फूड सेफ्टी रूल्स के मुताबिक इस प्रोसेस को 45 मिनट से कम समय में पूरा होना चाहिए। टाइम रिस्ट्रिक्शन के बावजूद सब कुछ बिल्कुल हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव शेफ अरुण बत्रा प्रोटोकॉल के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ तो मेन्यू क्या है? सर मेन्यू है ग्रेटेड पोटैटो, ग्रिल्ड वेजिटेबल विद स्मोक सामन एंड वसाबी सॉस। वसाबी सॉस, राइट। शेफ ने सब टेस्ट कर लिया है? जी सर। सब कुछ ठीक था ना? यस सर। गुड। और फर्स्ट क्लास का क्या है? नजदीक से देखने पर आपको पता लगेगा कि प्लेटर में सिर्फ मेन किचन में पकी डिशेस नहीं है बल्कि वो एक कंप्लीट मील है जिसमें सैलड्स, गार्निशेस और साइड्स भी हैं। जब बात साइड्स तैयार करने की हो तो कोल्ड किचन में साथ साथ एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन चलता है। ताजा फलों से लेकर सब्जियों और लजीज चीजेस तक, इस सेक्शन में हर कच्ची चीज को चॉप करके अरेंज और सेट किया जाता है। यहीं पर ताजा बेक्ड ब्रेड से बने हजारों सैंडविचेस को असेंबल किया जाता है। हर एक को हाथों से बनाया जाता है जिसमें कई किस्म के स्प्रेड्स और फिलिंग्स होती हैं, चटनी से लेकर चीजेस तक। हर पल इनके टेम्परेचर्स पर पूरा ध्यान दिया जाता है जिसे मैंडेटरी 15 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए। साइड्स के साथ जब मील्स प्रीसेट हो जाते हैं तब उन्हें वापस कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाता है जहां मीठी चीजों का एक और कंसाइनमेंट आसमान में किसी की भी स्वीट क्रेविंग्स को सैटिस्फाई कर देगा। कन्फेक्शनरी सेक्शन में डिजर्ट्स जिन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था अब प्रीसेट होने के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें हर एक फ्लोरिश और आर्टिस्टिक टच देकर ना सिर्फ टेस्टी बल्कि दिखने में भी स्टनिंग बनाया जाएगा। ऑन एन एवरेज एक दिन में हम लगभग 8000 डिजर्ट्स बनाते हैं जिनमें इंडियन डिजर्ट्स भी होते हैं और वेस्टर्न डिजर्ट्स भी। आप देख सकते हैं कि यह है बेक्ड योगर्ट, फिर हमारे पास है क्रम्बल्स, वी हैव एप्पल पाई और फिर स्विस रोल्स और कई तरह के बेवरॉयज, मूज, चीज केक्स भी हैं। ये सभी डिजर्ट्स हैं जो कई एयरलाइंस में हम सप्लाई करते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो ये देखिए, ये डिजर्ट हम बना रहे हैं आज रात की विस्तारा की फ्लाइट के लिए। ये सब विस्तारा के लिए है। ये है कैपुचिनो बेवरॉय
जिसे हमने बनाया है सिर्फ विस्तारा एयरलाइन के लिए। एक बार फिर कोल्ड किचन का टेम्परेचर इन लजीज डिजर्ट्स को खराब होने से बचाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है। जरा से गलत टेम्परेचर से डिजर्ट का हाल बदल सकता है, उसका टेस्ट प्रोफाइल और साथ ही उसका टेक्सचर भी। अगर एक बेवरॉय या मूज में टेम्परेचर ऊपर चला गया तो आप देखेंगे कि वो फर्मेंट होने लग जाएंगे, उनमें से बदबू आने लग जाएगी। यहाँ तक के प्रीसेटिंग के दौरान हम उन्हें 12 से 15 डिग्री के टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाने देते। अब मेन डिश के साथ साइड्स और डिजर्ट्स को रखा गया है और इस तरह ये एयरलाइन मील पूरी तरह तैयार है। अब वक्त है किचन के कुकिंग एरिया से निकलकर इसके डिस्पैच की तैयारी करने का। लेकिन अलग अलग फ्लाइट्स अलग समय पर निकलती हैं, तो सारे मील्स की जरूरत एक साथ नहीं पड़ेगी। चलिए अब मील बैंक का नजारा देखते हैं। एक के ऊपर एक ट्रॉली में डिपॉजिट्स रखे जाते हैं और हर एक का हिसाब मील बैंक मैनेजर्स के पास होता है। जब फ्लाइट का वक्त नजदीक आता है तब ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जरूरत के मुताबिक विड्रॉल करता है। इतने बड़े ऑपरेशंस के सेटअप में मील बैंक आपका सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इससे एक पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बनाए और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने जिस पर्टिकुलर एयरलाइंस के लिए उसका इस्तेमाल किया है उसका हिसाब मिलता है। T-5 ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 5 घंटे हैं ये देखने के लिए कि खाना मेगा किचन से सही वक्त पर निकले। ऑपरेशंस मैनेजर अनिल थापर ड्यूटी पर हर उस एक्टिविटी को सुपरवाइज कर रहे हैं जो इन फ्लाइट मील्स को डिस्पैच करने में हो रही हैं। उन्हें पता है कि ये सिर्फ कैसरोल्स का एक कंसाइनमेंट पैक करके भेजने जितना काम नहीं है, बल्कि यहाँ एक परफेक्ट ट्रे तैयार करनी है जो सीधे पैसेंजर की सीट तक पहुँचेगी। मील्स के प्री सेटिंग की तरह ट्रे सेटअप्स भी प्रिसिशन का काम है जिसमें हर बारीकी पर गौर करना पड़ता है। यहाँ भी एक गोल्डन सैंपल के हिसाब से वर्कर्स की एक असेंबली लाइन हर चीज को उसकी सही जगह पर रखती है। मिसाल के तौर पर लंच और डिनर ट्रेस, उनमें होगा एक सैलेड, साथ में डिजर्ट, हम एक कटलरी सेट भी देंगे, उसके साथ एक रिफ्रेशिंग टिश्यू, एक वाटर बॉटल भी होगी और ये सब चीजें एयरलाइन के निर्देशों के मुताबिक एक खास तरीके से ट्रेस पर रखी जाएंगी ताकि सभी को सेम ट्रेस मिले। ट्रे सेटअप को ढंग से करना इतना जरूरी क्यों है? बात असल में इक्विपमेंट की है जिसे सुरक्षित तौर पर एयरक्राफ्ट में चढ़ाकर सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एयरलाइन ट्रॉलीज को स्लॉट्स में डिजाइन किया गया है ताकि हर स्लॉट में एक ट्रे जाए, साथ ही कप्स की हाइट भी एडजस्ट हो जाए और दूसरी आइटम्स जैसे बोल्स वगैरह बिल्कुल कार्ड्स में बने स्लॉट जितने ही होने चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और हर कार्ट में तकरीबन 42 ट्रेस लग जाएं। ट्रॉली सेटअप होने के बाद उन्हें होल्डिंग सेल में एक फाइनल कोल्ड सोक में 4 घंटों के लिए भेजा जाता है। इससे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को साथ मिलकर हालात का जायजा लेने का मौका मिलता है। ये कंसाइनमेंट सिंगापुर एयरलाइंस का है। आज की फ्लाइट एयरबस 380 से जाएगी जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। ये है सिंगापुर एयरलाइंस एयरबस 380 फ्लाइट इन द इवनिंग SQ403। आज हम कैटर कर रहे हैं 4 फर्स्ट क्लास, 39 बिजनेस क्लास एंड 346 इन इकोनॉमिक क्लास। पैसेंजर्स के नंबर्स किसी भी पल बदल सकते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि टीम लेटेस्ट नंबर्स को चेक करे। लोड काफी लाइट था सर, 330 से बढ़कर अब 346 है इकोनॉमिक क्लास में। मैंने अभी अभी सिक्योरिटी ऑफिसर से फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि आज रात और लोड बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। ओके, तो फिलहाल तो सब ठीक है सर। ग्रेट। डिपार्चर का समय अब बहुत जल्द आने वाला है। अब है D-1, यानी एक घंटे बाद मील वैन्स को निकलना होगा। वक्त है आखिरी बार ट्रॉलीज को चेक करने का। एयरलाइन के लिए काम करते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फ्लाइट में सिर्फ केटरिंग आइटम्स ही जानी चाहिए। अकाउंट्स मैनेजर अमित खन्ना अपने रोस्टर पर हर एक ट्रॉली को चेक करके ये देखते हैं कि कोई भी आइटम मिसिंग या मिसप्लेस्ड ना हो। मैं चेकशीट के मुताबिक बस बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक के ट्रे सेटअप को चेक कर रहा हूँ। हम रैंडमली हर कार्ट में 5, 10 या 15 ट्रेस को चेक करते हैं, देखते हैं कि उनमें कुछ गलत तो नहीं है। अगर है तो उसे फौरन ठीक कर सकें ताकि फ्लाइट में या लोडिंग बे पर कोई प्रॉब्लम ना हो।
फिर जिन पैसेंजर्स के लिए वो बनी है उन्हें की तरह इन्हें भी पूरे सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। एक बार सील होने के बाद उन्हें सीधे एयरक्राफ्ट में सर्व करने के वक्त ही खोला जाता है। साइंड ऑफ और सील्ड कार्ड्स को लोडिंग डॉक्स पर लाइंस में रखा जाता है। डिपार्चर का वक्त जब नजदीक आता है, हाई लिफ्ट्स नाम की स्पेशल वैन्स उन्हें उनके डेजिग्नेटेड डॉक तक पहुंचाती हैं। एक घंटे से भी कम समय में उन्हें लोड करके एयरपोर्ट ले जाना होगा अपनी फ्लाइट में पहुंचाने के लिए, जो किसी भी वजह से रुक नहीं सकती। अगर हमें एयरक्राफ्ट तक 6 बजे पहुंचना है तो हमें हर हाल में 6 बजे तक पहुंचना है, चाहे कुछ हो जाए। बाहर के हालात चाहे कितने बुरे भी क्यों ना हो, हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे प्रोसीजर सही हो ताकि हम ऑन टाइम डिलीवरी कर सकें। शाम के वक्त न्यू दिल्ली के ताज सैट्स इन फ्लाइट किचन में किचन के फूड प्रेपरेशन का 24 आवर साइकिल खत्म होने जा रहा है। लोडिंग डॉक्स में ऑपरेशंस मैनेजर अनिल थापर ये इंश्योर कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट ट्रॉलीज डिस्पैच के लिए तैयार हों। ये सब कुछ शाम की एयरबस 380 सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट के लिए है और वो कुछ ही देर में लोडिंग स्टार्ट कर देंगे और हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और सही समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे फ्लाइट के आने से पहले। मैनेजर थापर को एक डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए मील डिस्पैचेस पर भी साथ साथ ध्यान देना होगा। सब कुछ हो गया? हाँ जी। हाँ जी। टोटल कितने हैं? 10 बिजनेस क्लास, 24 प्रीमियम इकोनॉमी और 96 इकोनॉमी। स्पेशल्स क्या क्या हैं? स्पेशल्स हैं 1 डायबिटिक और 8 जैन। यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर लिया है क्या? ये हमारी मुंबई फ्लाइट 981 के लिए है जो शाम को निकलेगी और ये सब खाना उनके डिनर के लिए है। तो मैं बस ये चेक कर रहा था कि क्या फ्लाइट टाइम पर है, सारे मील्स तैयार हैं। तो अब वो लोडिंग के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। कुछ ही मिनट्स में सैकड़ों मील्स को रेफ्रिजरेटेड वैन्स में लोड किया जाता है। ठीक कुकिंग प्रोसेस की तरह लोडिंग में भी स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल का पालन होता है। ट्रॉलीज को बिल्कुल उसी सीक्वेंस में अंदर भेजा जाता है जिस सीक्वेंस में वो एयरक्राफ्ट की गैलीज में लोड की जाएंगी। D-0 लॉग्ड और लोडेड वैन्स अब जाने को तैयार हैं और वो बिल्कुल सही समय पर गेट से बाहर निकल पड़ती हैं। अगर हमें एयरक्राफ्ट तक 6 बजे पहुंचना है तो हमें हर हाल में 6 बजे तक पहुंचना है, चाहे कुछ हो जाए। बाहर के हालात चाहे कितने बुरे भी क्यों ना हो, हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे प्रोसीजर सही हो ताकि हम ऑन टाइम डिलीवरी कर सकें। दिन भर के काम के बाद इन फ्लाइट किचन की स्पीड, एफिशिएंसी और प्रोटोकॉल का सटीक तालमेल कामयाब रहा। फ्लाइट ताज सैट्स किचन के केटरिंग मील्स को लेकर उड़ान भरती है। ये एयरक्राफ्ट अपने जैसे अनगिनत दूसरे एयरक्राफ्ट्स की तरह दूर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, लेकिन किचन में अब क्लीनिंग स्क्वाड का चार्ज लेने का वक्त आ चुका है। किचन के हर हिस्से, हर कोने को साबुन से अच्छी तरह स्क्रब किया जाता है जिससे पूरा का पूरा कुकिंग सरफेस जगमगाने लगता है। और जहां तक सवाल है किचन का सबसे अनपॉपुलर काम करने का, तो उसे करने के लिए भी यहां मौजूद हैं मेगा मशीन्स। बीस साल से भी ज्यादा समय से अनिल भार्गव ताज सैट्स के लिए काम कर रहे हैं। डिशवॉशिंग के ड्यूटी मैनेजर होने के नाते वो अपनी नजर से एक भी गंदी डिश को गुजरने नहीं दे सकते। जब पूरा अच्छे तरीके से साफ हो जाए तो फिर उसको ड्रॉअर में रखकर ट्रॉली में रखना है, ठीक है? ज्यादातर इन फ्लाइट मील्स डिस्पोजेबल डिशवेयर में सर्व किए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे कंटेनर्स भी होते हैं जिन्हें दोबारा यूज किया जा सकता है। डिस्पोजेबल आइटम्स को रिसाइक्लेबल से अलग करने का काम असेंबली लाइन पर मौजूद इन लोगों को दिया जाता है। एयरलाइन से लौटाई गई हर एक यूज्ड ट्रे इनकी पैनी नजरों से होकर गुजरती है। हमें एक ही समय में कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कटलरी कहीं गार्बेज में ना चली जाए। सारे ग्लासेस को ढंग से अलग करना पड़ता है।
बाकी कंटेनर जैसे कि मेलामाइन, जिसे हम रिसाइकल के लिए दोबारा भेज सकते हैं। रीयूजेबल डिशेस को लाइन पर से हटाकर तीन बड़ी ग्राइम फाइटिंग मशीन्स में भेजा जाता है। ये जर्मन बल्क वॉशर्स हैं। इसे कहते हैं बल्क वॉशर मशीन। ये बहुत ही काम की मशीन है। ये हर तरह के बर्तनों को साफ कर देती है एक बार में। हमें यहाँ पर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, वो ये कि सारे बर्तनों को धोना है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, और वो टेम्परेचर 82 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। एक बार और फूड सेफ्टी का गोल्डन फॉर्मूला अपनाया जाता है। डिशेस को सफाई के तीन साइकिल्स में भेजा जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस पर प्री वॉश से लेकर 82 डिग्री सेल्सियस पर फाइनल रिंस तक। ये सिर्फ दिखने में चमकदार और साफ नहीं होते, बल्कि अगली बार यूज करने के लिए सैनिटाइज भी हो जाते हैं। हम यहाँ करीब करीब 1,00,000 बर्तन रोजाना धो लेते हैं। जी हाँ। इसी दौरान कंट्रोल रूम में दोबारा एक नई शुरुआत होती है। पैसेंजर लोड्स की एक और नई लिस्ट यहाँ आती है। बहुत जल्द पूरा साइकिल फिर से शुरू होगा। टॉप शेल्फ इंग्रेडिएंट्स को एक्सपर्ट शेफ्स नया रूप देंगे। मील्स को परफेक्टली असेंबल किया जाएगा। एयरलाइन प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन होगा, ताकि पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट के दौरान बेहतरीन क्वालिटी के वर्ल्ड क्विजीन का मजा ले सकें।